अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़फ़र हुसैन फाइव आपके पास एक बार फिर हाज़िर हूँ। ये GPS है, जेनेसिस पावर सिस्टम, मैं इनके स्टॉल पर आया हूँ। अगर देखा जाए ना, ये जैसे एग्जीबिशन लगाई जाती है, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं होता, बल्कि ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि टेक्नोलॉजी असल में है क्या। क्योंकि उसकी वजह के मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो मार्केट में बैठे हैं, सिर्फ अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए मिसगाइड करते हैं लोगों को। अब मैंने कई यूट्यूबर्स देखे हैं जो ये कहते हैं 2.5 लाख में 5 KVA का लगाएं, दैट्स इम्पॉसिबल। आपका नाम? मेरा नाम सलमान है। सलमान खान सर, मैं इस टाइम तो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। जी तो लोगों को चूंकि हमारे अवेयरनेस नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में। जी जी बिल्कुल, इसी तरह टेक्नोलॉजी से इम्पॉसिबल है। जी जी बिल्कुल, इस तरह है। हमारे पास जो है ना 5 KVA का है, तकरीबन 7.5 लाख का है ऑन ग्रेड ग्रीन मीटर समेत, और 10 KVA जो है ना वो है तकरीबन 12-12.5 का है। और इसके साथ साथ हमारे पास लिथियम बैटरी भी है, और जो है ना दूसरा नॉक्स लिथियम भी है। हमारे पास जो है ना इधर टेक्निकल लोग भी मौजूद है, उनको जो है ना सारा आइडिया है। हम पूरा सिस्टम ग्रीन मीटर समेत देंगे। ऑफ ग्रेड कितने का पड़ जाता है? वो ऑफ ग्रेड का तकरीबन वो ऑन ग्रेड और हाइब्रिड से सस्ता है। जी सर, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में जो है ना ज़्यादातर लोग जो है ना ऑन ग्रेड पे जाती है। जी जी इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल सर, इस तरह जी जी हाँ हाँ, ज़्यादातर लोग जो है ना ऑन ग्रेड पे जाती है या हाइब्रिड पे जाती है। जी हमारे पास जो है ना लॉन्जी पैनल है AAA A ग्रेड वाला, वे डॉक्यूमेंट्स जो है ना हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिनको एन टाइप है हेमोसिक्स, और इसके साथ JA है। हम जो है ना हम ज़्यादातर जो है ना काम करते नॉक्स में सर, और ये हाइब्रिड है 6 KVA का, लेकिन इसके साथ जो है ना हम पैनल इस्तेमाल करते 10 KVA का। इसके साथ जो है ना ये एडजस्ट कैपेसिटी है ये, और दूसरा ये है हमारे पास ये दूसरा इन्वर्टर भी है, और 10 KVA का अगर आप यूज़ करेंगे ना तो इसके साथ PV जो है ना वो 18 पैनल लगेंगे, बल्कि 26 पैनल सॉरी। जी सर, ये ग्रीन मीटर है इसका? ये ग्रीन मीटर है सर, हम अगर लगा के देंगे ये 1,20,000 का होगा। अगर हम आपको सिंपल ये ग्रीन मीटर देंगे ये 35,000 है, 35। और ये मुझे जरा बताएं कि ये आप 5 KVA ये 5 KVA जो है ना मंथली जो जनरेशन है ना यूनिट से, वो एवरेज जो है ना 700 यूनिट्स होगा, और जो 10 KVA है वो इसका जो एवरेज है ना 1400 है, 20 KVA 28 जो है ना यूनिट 2800 यूनिट्स जो है ना पर मंथ है। असल टेक्निकल चीज़ है, ये लोगों को नहीं बताया जा रहा। जी जी वो कह देते हैं 5 KVA 10 KVA जी आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जी उनको समझाने की असल मतलब ये बताएं 5 KVA आपका यूनिट कितना प्रोड्यूस करता है, रिवर्स कितना होगा इस्तेमाल? इस तरह नहीं है सर, इस तरह नहीं है, ये इस तरह है कि मिसाल के तौर पर आपका दिन में फॉर एग्जाम्पल जो है ना 20 यूनिट बनती है, ठीक है ना, तो आप जो है ना यूज़ करते 5 यूनिट्स, जो इजाफी 15 यूनिट्स है वो आपडा पे जाए, वो किस तरह जाएगा वो लोग इसके बारे में कम पता है ये नहीं कि पता नहीं है, लेकिन ग्रीन मीटर की थ्रू भी ये सारा सिस्टम होता है, ठीक है सर। और जब आप ग्रीन मीटर लगाएंगे ये इसका प्राइस इतना नहीं है, कम है, लेकिन आपका जो पूरा सिस्टम है ना ग्रीन मीटर के थ्रू भी आपका काम हो जाएगा। मतलब ये कि 5 KVA हमारे पास लगाए? जी सर, पर मंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 700 यूनिट जो है ना इसका एवरेज है। जी जी इसका ये आपका जो सोलर पैनल जो है 700 यूनिट प्रोड्यूस करता है पर मंथ। जी बेची हो जाती है? हाँ हो जाती है, लाइट कभी कम होती है। जी 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 उसमें से 500 यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिया या 200 बाकी प्लस में हो जाएगा? जी वो अपडा पे जाएगा तो इसी तरह है ना आपका बिल जीरो हो जाएगा। बिल जीरो तो नहीं होता, लेकिन आपका मिसाल के तौर पर आपका बिल आ रहा है 60,000, तो फिर जो है ना आपका बिल कम हो जाता है 10,000-12,000, इस तरह होता है, जीरो नहीं होता। ये सिस्टम से बताया है, ये भी बता दें लोगों को ऐसे सोलर पैनल से किस तरह जाते हैं। बस सोलर पैनल जो है ना ये मेन चीज़ है, हम जो है ना दो स्ट्रक्चर लगा के देते हैं, हम एक एलिवेटर स्ट्रक्चर लगा के देंगे, एक जो है ना सिंपल जिसको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ पूरा चीज़, ये एलिवेटर स्ट्रक्चर में ये है, इसमें आपको जो मोटा गार्डर है ना मुगल गार्डर,
इसके साथ आपका पूरा सिस्टम लगे, 5 kV बल्कि 3 kV भी आप लगा सकते हैं बेशक। यहाँ से करंट इधर ये मुझे यहाँ से करंट जो है ना इधर जाती है ना नीचे, और ये इन्वर्टर जो है ना एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, फिर जो है ना नीचे जाते आपका जितना इस्त्री आपका एसी है, लाइट से आपके फैंस वगैरह है, जितने भी फ्रिज वगैरह है। देखें ये सोलर पैनल से करंट आया इन्वर्टर पे कंबाइनर के पास। जी जी, फिर जो चलेगा ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ। जी, तो फिर जो है ना ये आपका जो भी इस्तेमाल, इधर आप देखें ना ये आपका पंखा भी आ गया, ये आपका एलसीडी भी आ गया, आपका फ्रिज भी आ गया, आपका लैपटॉप, जो भी चीज़ है ना वो इन्वर्टर के थ्रू पे होता है। फिर यहाँ से जो ग्रीन मीटर चला गया, जी जी, जो यहाँ से यूनिट बच गया है, जी वो इधर ग्रीन मीटर में, ग्रीन मीटर के थ्रू पे जो है ना वापडा पे जाएगा, वहाँ पे वापडा पे चला जाएगा। जी, और कोई क्वेश्चन वगैरह? ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।